जहां एक ओर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं कि हमने उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड में अन्ना जानवरों के लिए गांव-गांव गौशाला बना दी, लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र सबसे ज्यादा अन्ना जानवरों से प्रभावित है। यहाँ का किसान अन्ना जानवरों से परेशान है, फसलें बचा नहीं पा रहा है। लगातार कई सालों से अन्ना जानवर किसानों की फसलें बर्बाद कर रहे हैं और यहाँ का किसान अपना घर खेत छोड़कर दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात जैसे शहरों को पलायन कर गया है। आज आप देख सकते हैं कि अन्ना जानवर ये रोड पर कब्जा किए हुए हैं। ये हाईवे है जो झांसी से लेकर खजुराहो जाने वाला, ये नेशनल हाईवे है। आप देख सकते हैं यहाँ सैकड़ों की संख्या पे अन्ना जानवर रोड पर कब्जा जमाए हैं। आज या तो ये अन्ना जानवर किसानों के खेतों में घुसकर उनकी फसलें नष्ट कर रहे हैं, या तो रोड पर हाईवे पर बैठ रहे हैं, चल रहे हैं, जहां पर रात में एक्सीडेंट होता है और लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। ये जमीनी सच्चाई है। जहां एक ओर गौशालाओं की अगर बात की जाए तो गौशालाओं में अन्ना जानवर भूख प्यास से तड़प तड़प कर मर रहे हैं, वहां जानवर मर रहे हैं, खेत पर किसान की फसल नष्ट हो रही तो किसान आत्महत्या कर रहा है। और ये अभी आज का नजारा है जो रोड पर सैकड़ों अन्ना जानवर बैठे हैं, पूरा रोड जाम किए हुए हैं, जहां पर जिम्मेदार अधिकारी कह रहे हैं कि रोड पर जानवर नहीं दिखने चाहिए, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, लेकिन ये आज आप देख सकते हैं ये बदहाली है उत्तर प्रदेश के सरकार की, मुख्यमंत्री जी की बड़ी विडंबना है कि स्थितियां काबू में नहीं है, किसान मारा जा रहा है।